सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म पुनः भराना शुरू हो चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लॉगिन नहीं हो रहे हैं, लॉगिन होने में समस्या आ रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं आने वाले हैं। आप कौन सा मोबाइल नंबर दिए हुए हैं ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और कैसे लॉगिन होना है पूरी जानकारी आपको दे देंगे। हम यहाँ पर आ चुके हैं वेबसाइट पर और हम बात कर रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर मोड चुन लेना है, फिर हमको यहाँ पर रोल नंबर देना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। माना कि मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है, भूल गए हैं, तो आपको पहले रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, सबसे नीचे आ जाना है और आपको है व्यू अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो कौन सा मोबाइल नंबर आप दिए थे एडमिशन के समय, वो सारा मोबाइल नंबर, नाम, पापा का नाम यानी पिताजी का नाम, सारा चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ ओपन हो गया है और इस तरह यहाँ पर नीचे कौन सा नंबर है ये सारा जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में आपको वो जानकारी भी मिल गया होगा कि कौन सा नंबर इसमें दिया गया है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नंबर अपडेट भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, और बदलने के बाद फिर से यहाँ पर आने पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने में अगर इस तरह की बात अगर लिखा रहा है योर इंटरनल मार्क्स इज नॉट कम्प्लीटेड, तो इसका मतलब होता है कि आपने कॉलेज में जो सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा दिए थे उसमें आपको पास नहीं किया गया है। तो इसलिए इसमें चिंता करने की बात नहीं है, आपको सिंपली कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है, फिर आप परीक्षा फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा, या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आकर के भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। विशेष इस वीडियो में जानकारी नहीं देने वाले हैं, लॉगिन कैसे होना यह तो हम बता ही दिए हैं। अगर आपको समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं जहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा 20 सितंबर से होने वाले हैं और एडमिट कार्ड परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी होगा। रूटिंग अभी जारी नहीं हुआ है, 12 से 15 तारीख तक रूटिंग आने की संभावना है। जैसे ही रूटिंग आती है या एडमिट कार्ड या किसी भी तरह की अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताने का पूरा कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, अर्थात ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले हर एक अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद।